नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सिक्स की हिंदी। क्लास सिक्स की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं बाल राम कथा, और इससे पहले हम पढ़ रहे हैं दंडक वन में 10 वर्ष। तो राम के दंडक वन में 10 वर्ष किस तरह से बीते, ये हम पढ़ रहे थे। और क्या कुछ उनके साथ वहां पर हुआ, क्या कुछ सीता के साथ वहां पर हुआ, किस तरह उन्होंने अपने 10 वर्ष वहां पर व्यतीत किए, ये हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद तो आपने देखा जो हमारा लास्ट सेशन था इससे पहले का, हमने देखा कि वन में अनेक मायावी राक्षस जो है आते जाते रहते हैं, जो कि वहां के तपस्वियों को परेशान करते हैं, वहां के साधु संतों को परेशान करते हैं। तो वहां पर जब एक बार सीता के सामने एक स्वर्ण हिरण आया, तो स्वर्ण हिरण आया वहां पर, तो सोने के हिरण को देखकर सीता माता उस पर मुग्ध हो गई, यानी कि वो बहुत ज्यादा उस पर उनको बहुत ज्यादा प्यार उस पर आ गया, वो बहुत ज्यादा उसके लिए लालायित हो गई कि वो मुझे चाहिए। तो उस स्वर्ण हिरण के लिए, तो अब रामचंद्र जी के मन में ये आया, पहले तो उन्होंने सीते को समझाया कि नहीं, ये स्वर्ण हिरण तो हो ही नहीं सकता है, और वो भी वन में। तो फिर लेकिन उन्होंने कहा, उन्हें मन में लगा कि काफी समय से जब से सीता जंगल में रह रही है, उन्होंने अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कभी भी कोई मांग नहीं की, तो आज रामचंद्र जी उनकी इस मांग को पूरी करने के लिए वन में उस हिरण के पीछे निकल पड़े हैं। तो क्या कुछ होता है इसके बाद, हम कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हमने बताया यहाँ पर कि सीता जो है उनकी इस इच्छा को, सीता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए राम वहां से जब निकले, तो कुटी से निकलते वक्त, यानी कि कुटिया से जब वो निकले, तो उस समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया और सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। अब लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। अब लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने राम के लिए, यहाँ पर राम के लिए उन्होंने आज्ञा करी थी, और इस तरह से उन्होंने देखा कि जब राम धनुष लेकर वहां पर खड़े हो गए हैं, तो लक्ष्मण जब धनुष लेकर वहां पर खड़े हुए हैं तो क्या कुछ उसके बाद होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो राम को कुटिया से निकलते हुए देखकर, क्योंकि जब राम कुटिया से निकल चुके थे, तो राम को कुटिया से निकलते हुए देखा किसने, उस स्वर्ण हिरण ने, ठीक है। वो स्वर्ण हिरण जो था वो कौन था, वो राक्षसी जो थी यहाँ पर जंगल में, जो उन्हें राक्षसी सबसे पहले मिली थी ताड़का, उसका पुत्र था मारीच। तो उसका पुत्र मारीच जो था, वो स्वर्ण हिरण का भेष बनाकर सीता के सामने, भगवान राम के सामने से गुजर रहा था। अब राम को उसने बहुत छकाया, झाड़ियों में कभी लुकता, कभी छिपता, कभी भागता, और वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। अब वो राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया, बहुत दूर लेकर चला गया वो राम को कुटिया से। अब जब राम उसको पकड़ने का प्रयास करते, क्योंकि इससे पहले वो आसपास ही घूम रहा था, यानी कि वो उस कुटिया के आसपास ही घूम रहा था, कुटिया के आसपास देख रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि राम अब उसको पकड़ने के लिए लालायित हो रहे हैं, तो वो राम को परेशान करने के लिए, राम को कुटिया से दूर ले जाने के लिए, क्योंकि उनका जो इरादा था वो तो कुछ और ही था, क्योंकि वो सीता का हरण करना चाहते थे। वो रावण के साथ मिला हुआ था और रावण के साथ मिलकर वो सीता हरण में उसकी मदद कर रहा था, और रावण वहीं पर छिपा हुआ था एक पेड़ के पीछे साधु का भेष बनाकर। तो इस तरह से जब स्वर्ण हिरण इस तरह से वहां पर घूम रहा था, तो रामचंद्र जी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे, उसके पीछे चल रहे थे, और दौड़ते दौड़ते जो हिरण है वो जंगल की तरफ चला गया, बहुत दूर चला गया जंगल में। अब हिरण चालाक था, हिरण
चालाक था। वो चालाक क्यों था? क्योंकि वो असली वाला हिरण नहीं था, वो सच में हिरण नहीं था, वो तो मारीच था, एक राक्षस था, और इतनी दूर कभी नहीं जाता जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। अब वो पहुंच से बाहर निकल गया, यानी कि उसको वो इतनी दूर चला गया कि पहुंच से बाहर निकल गया। अब राम के सारे प्रयास विफल हुए, राम उसको पकड़ने के सारे प्रयास विफल हो गए, राम को उसके पकड़ने के, और हिरण को वे पकड़ नहीं पाए। सारे उन्होंने जितने भी प्रयास किए वो सारे विफल हो गए, पर वो हिरण को नहीं पकड़ पाए। अब उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया, क्योंकि अभी तक वो सोच रहे थे कि उस हिरण को जीवित पकड़ा जाए, जीवित उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, जब वो बहुत ज्यादा दूर जंगल में आ गए, देखिए यहाँ पर उसकी जो मंशा थी वो मंशा यही थी कि वो राम को जंगल से दूर लेकर जाए। उसे पता है राम बहुत ज्यादा पराक्रमी है, इनको हरा पाना मुश्किल है, और इस तरह से इनकी जो जान है वो सीता में बसती है, तो सीता का अगर हरण कर दिया जाएगा तो राम की मृत्यु अपने आप हो जाएगी। राम जो है वियोग में ही, राम का सीता के वियोग में ही मृत्यु हो जाएगी। तो जो उसका मेन उद्देश्य था वो अब पूरा हो रहा था। वो राम को जंगल में काफी दूर तक ले आए थे कुटिया से, लेकिन राम ने भी अब, क्योंकि वो काफी दूर आ चुके थे, काफी थक चुके थे, काफी प्रयास उनके विफल हो चुके थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वो इस हिरण को, मतलब जीवित पकड़ने का उन्होंने अब अपना विचार त्याग दिया। अब उन्होंने धनुष उठाया, यानी कि अब उन्होंने शिकार करने की सोची। उन्होंने धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया, और हिरण जो है बाण लगते ही धरती पर गिर गया। अब राम ने अपना निशाना साधा और सीधे उस हिरण पे लगाया, और बाण लगते ही हिरण जमीन पर गिरा, और धरती पर गिरते ही जो मारीच था, जो राक्षस था, वो अपने असली रूप में आ गया। अब मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला, यानी कि वो केवल अपने असली रूप में नहीं आया, बल्कि उसने अपनी आवाज भी बदल ली। और उसने आवाज कैसे बदली? उसने अपनी आवाज जो है राम जैसी बना ली, और धरती पर पड़े हुए वो जोर से चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण, यानी कि वो उनको, लक्ष्मण को और सीता को वो डराना चाहता था कि राम को कुछ हो गया है। और बिल्कुल उसने इस तरह की ध्वनि निकाली कि जैसे राम को बाण लग गया हो और राम सहायता के लिए पुकार रहे हों। तो बिल्कुल इस तरह से कि उसने ध्वनि निकाली, क्योंकि एक मायावी राक्षस था, अलग अलग तरह की वह ध्वनि निकाल सकता था, अलग अलग तरह के वो रूप धारण कर सकता था। तो जैसे ही वो जमीन पर गिरा, जैसे ही उसे बाण लगा, तो वो बिल्कुल धरती पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, हाय सीते हाय लक्ष्मण। और अब बाण का प्रहार, जैसे ही उस पर बाण का प्रहार लगा, तो क्या हुआ कि उसको बाण का प्रहार बहुत ही ज्यादा गहरा था, और मारीच उसे अधिक देर तक नहीं सह पाया, और वह छटपटाता रहा, और जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जो भगवान राम का बाण था वो बहुत देर तक उसको सहन नहीं कर पाया। अब जो रावण था वो एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था, और वह बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसकी चाल धीरे धीरे सफल हो रही थी और मारीच अपनी अच्छी भूमिका निभा रहा था। अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा रावण ने सोचा था। अब उस राक्षस अंकपन की बात उसको याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई? कि सीता हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, यानी कि जो अंकपन राक्षस ने उन्हें बताया था कि राम को, राम की मृत्यु का, राम को मारने का एक ही तरीका है कि उनको सीते का वियोग दे दिया जाए, तो सीते का अगर हरण हो जाएगा तो राम की मृत्यु निश्चित है। तो अगले ही वो अपने अगले चरण की तैयारियों में जुट गया, यानी कि अब जो था असली काम जो था वो हो चुका था, यानी कि अब उसने मरते वक्त सीता और लक्ष्मण का नाम ले लिया था, यानी कि जब मारीच की पुकार राम ने सुनी, जब राम ने मारीच की पुकार सुनी, तो क्या हुआ
कि वो पास में ही थे और अब उन्हें मनसा समझने में देर नहीं लगी, यानी कि वो समझ गए कि आखिर यहाँ पर क्या चाल है। वो मारीच चाल समझ गए थे और मारीच की जो पूरी चाल थी वो उनके सामने खुल गई थी कि एक हिरन क्यों जानबूझकर उस भागता रहा और उनको कुटिया से दूर ले जाने के लिए वो यहाँ तक पहुंचा। अब लेकिन वो एक चरण को वो सफल नहीं कर पाए थे, एक चरण पूरा करने में उनको पता नहीं चल पाया था, लेकिन वो अगले चरण को कि इस मंशा का अगला चरण क्या है कि यहाँ तक तो उसने मुझे पहुंचा दिया, इसके बाद क्या होने वाला है, उसको रोकने के लिए, उसको विफल करने के लिए अब राम जल्दी से जल्दी कुटिया की तरफ चले, कुटिया की तरफ वो पहुंचे, कुटिया की तरफ वो जाने लगे। लेकिन क्या हुआ, देखिए इस तरह से यहाँ पर मारीच का चित्र आपको दिखाया गया है और ये रावण है जो पेड़ के पीछे से सारी चीजें देख रहा है और उसके बाद राम जो है वो मारीच को मार रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि जब इस तरह से क्योंकि एक वन है, निर्जन वन है, वहां पर कोई भी लोग नहीं है और बहुत ज्यादा शांत है, बहुत ज्यादा पक्षियों के चहचहाट की आवाज और केवल शांति वहां पर है, तो ऐसी शांति भरे वातावरण में जब वो मायावी पुकारा, यानी कि जब उस मायावी ने राम सीता और लक्ष्मण का नाम पुकारा तो ये आवाज जो है सीता और लक्ष्मण के कानों में भी गई, क्योंकि वन जो था वो पूरी तरह से निर्जन था, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई भी आवाज नहीं थी, कोई भी साउंड वहां पर नहीं था। तो राम की जो इस तरह की आवाज थी जो मारीच द्वारा निकाली गई थी वो पूरे जंगल में बार बार गूंजी और राम लक्ष्मण के सीता और लक्ष्मण के कानों में भी गई। अब लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल ही समझ गए और लक्ष्मण समझ गए राम की तरह, यानी कि क्योंकि लक्ष्मण भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भी शेष नाग का अवतार है, विष्णु भगवान की जो सैया होती है शेष नाग, तो क्योंकि राम जो है वो भगवान विष्णु का अवतार है और जो लक्ष्मण है वो शेष नाग का अवतार है, यानी कि वो भी कम नहीं है, उनके भी बहुत दिव्य चक्षु है, वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के बालक है, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी है, तो वो भी बिल्कुल राम की ही तरह, जिस तरह राम को सारा प्रपंच सारा षड्यंत्र समझ में आ गया, उसी तरह लक्ष्मण को भी सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर ये क्योंकि राम की मृत्यु कब होगी, ये कैसे पूरी रामायण बनेगी, ये सारी चीजें उन दोनों को पहले से ही ज्ञात है, वो अंश है केवल मनुष्य मात्र का। तो अब उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष को दृढ़ता से पकड़ लिया, लक्ष्मण ने बाण चढ़ाकर धनुष को दृढ़ता से पकड़ लिया और चौकसी बढ़ा दी, यानी कि क्योंकि उन्हें पता चल गया कि राम को जंगल से दूर ले जाने का ये कारण है और राम की मृत्यु तो इस समय पर निश्चित है ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है, और राम इतने बलशाली है कि वो सभी की जीवन मृत्यु का जो एक लेखा जोखा होता है वो स्वयं रखते हैं, तो उनकी मृत्यु कैसे संभव हो सकती है, तो वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार हो गए और साथ ही राम का आदेश उन्हें याद आ गया कि उनके लौटने तक सीता की रक्षा करना। अब लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई भी संभावना नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मण कभी भी अपने भाई की आज्ञा का पालन ना करे ऐसा नहीं हो सकता था। उन्होंने चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी, यानी कि वो बिल्कुल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर, धनुष पर बाण चढ़ाकर वो बिल्कुल तैयार हो गए कि कहीं से कोई आक्रमण हो इससे पहले ही वो उसका जवाब दे दें। तो इस बात की कोई भी आशंका नहीं थी कि लक्ष्मण से कोई चूक हो पाएगी, लेकिन जब ये आवाज सीता के कानों में गई तो वह विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर चली आई और उन्होंने राम से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उस दिशा के ओर तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है और उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, जाओ लक्ष्मण,
जल्दी जाओ। तो वो कहती हैं कि ऐसी कातर आवाज मैंने उनकी कभी भी नहीं सुनी। लेकिन लक्ष्मण जी उन्हें चेताते हैं, लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हैं कि माते आप चिंता ना करें। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, आश्वासना देते हुए कहा, विश्वास दिलाते हुए कहा कि राम संकट में नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि राम संकट में हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो हमने आवाज सुनी है वो एक बनावटी आवाज है, वो मायावी राक्षसों की चाल है और मुझे इस कुटिया से दूर ले जाने का एक बहाना है। आप निश्चिंत रहिए, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। लक्ष्मण ने इस तरह से सीता को समझाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन अब सीता क्रोध से उबल पड़ी, सीता को क्रोध आ गया। और लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने भाई की इतनी करुण आवाज सुनी है और तब भी वो इतने शांत खड़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सोचकर सीता को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। अब वे राम की आवाज को सुनकर, राम की इतनी करुण आवाज, इतनी करुण पुकार को सुनकर भी वे खड़े हैं और सहायता के लिए नहीं गए। अब सीता को इसके पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र दिखाई देने लगा। देखिए कई बार क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हम पर कोई विनाश आने वाला होता है, कोई कष्ट आने वाला होता है, तो पहले से हम हड़बड़ाहट में, घबराहट में कई ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हमारी जो बुद्धि है वो सही दिशा में काम करना बंद कर देती है, क्योंकि हम बहुत घबरा जाते हैं, हम बहुत डर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस स्थिति में भी शांत बना रहता है, जो व्यक्ति इस स्थिति को भी धैर्य से ग्रहण कर लेता है और उस पर काम करने लगता है, वही सफल होता है। लेकिन सीता माता ने भी वह धैर्य नहीं रखा और उन्हें भी अब इस चीज में लक्ष्मण का कोई षड्यंत्र नजर आने लगा, लक्ष्मण की चाल नजर आने लगी कि लक्ष्मण जो है राम का भला नहीं चाहते, वो राम के हितैषी नहीं है, चाहते हैं कि राम ना रहे, मारे जाएं, या कि राजपाठ उन दोनों का ही हो जाए। तो एक तरह से अब उनके मन में, क्योंकि पहले भी उनके साथ इस तरह की घटना हुई है, उनको इतने बड़े राजमहल को छोड़कर इस वन में आना पड़ा है इस राजपाठ के कारण ही, तो तभी उनके मन में इस तरह की बातें आ रही हैं कि लक्ष्मण भी नहीं चाहते कि राम जीवित रहे और इसीलिए वो इतना षड्यंत्र रच रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके रास्ते का काटा निकल जाए। और वो लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि वे भाई भरत के गुप्तचर तो नहीं है, यानी गुप्तचर यानी कि जो चुपचाप से किसी और की सारी गतिविधियों पर नजर रखता है, किसी और की सारी गतिविधियों को देखता रहता है कि वो कब कहाँ और कैसे जा रहे हैं और किस तरह से उन पर हमला किया जाए। तो यही वो कहते हैं कि लगता है कि तुम भाई भरत के गुप्तचर हो। अब सीता बातों से लक्ष्मण को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा, यानी कि सीता की बातें अब लक्ष्मण के हृदय को छलनी कर गई, लक्ष्मण को बहुत ही कष्ट हुआ और उन्होंने लेकिन पलट कर बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया और ये सारी बातें उन्होंने चुपचाप ही सिर झुकाकर सुन ली। और वे सीता की पीड़ा को, यहाँ पर लक्ष्मण जो है सीता की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे थे, लक्ष्मण सीता की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे थे और कि वे केवल इतना बोल रहे थे, हे देवी यह राक्षसों का छल है, खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखलाए हैं और हमसे बदला लेना चाहते हैं, आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। वो बहुत अच्छी तरह से सीता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सीता को एक तरह से विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सीता को बिल्कुल भी विश्वास इस बात पर नहीं हो रहा है और सीता का क्रोध जो है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो, यह डर था राम से बिछोह का न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं भी जान दे दूंगी, हे लक्ष्मण तुम उन्हें लेकर आओ। तो अब सीता कहती है
कि मैं राम से बिछड़कर नहीं रह सकती, उनके वियोग में उनके विछोह में मैं भी जान दे दूंगी अगर उन्हें कुछ हो जाता है। अब लक्ष्मण राम के लिए लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और सीता की खोज में निकल पड़े। यानी कि अब जो है रावण अपने असल मकसद में कामयाब हो चुका था, वो लक्ष्मण को जंगल भेजने में कामयाब हो चुका था। और जैसे ही लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां पहुंचा, तपस्वियों जैसे जटाजूट वैसे ही वस्त्र सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप और संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेते ही लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। मैं तुम्हारे लिए स्वयं चलकर यहाँ आया हूँ। मेरे साथ लंका चलो, सोने की लंका में रहोगी, मेरी रानी बनकर रहोगी। अब ये सोचकर सीता बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई, बहुत ही ज्यादा क्रोध से धधक उठी और वो कहती है, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ और वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इस तरह की बात रावण को कहकर कही तो रावण ने सीता की बात को अनसुनी कर दिया और उन्हें खींचकर रथ पर बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वो विलाप करने लगी, हाय राम हाय लक्ष्मण पुकारती रही। और रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला, क्योंकि जिस तरह से रावण अपने जिस काम के लिए आया था वो उस काम में सफल हो चुका था, वो उस काम को करने में सफल हो चुका था। तो अब वो अपने रथ पर सीता को बिठाकर लंका की ओर बढ़ चला। अब मार्ग में वो पशुओं पक्षियों और पर्वतों और नदियों से कहती जा रही थी कि कोई राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। वो जितने भी सीता माता, जितने भी रास्ते में जो भी चीजें आ रही थी, चाहे पशु आ रहे थे, पक्षी आ रहे थे, नदियां आ रही थी, पर्वत आ रहे थे, वो सबसे कहती भी जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। अब जब गिद्धराज जटायु ने उनका विलाप सुना, तो जो गिद्धराज जटायु थे जब उन्होंने उनका विलाप सुना तो उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। अब गिद्धराज ने रथ छत विछत कर दिया, यानी कि बहुत वृद्ध हो चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने जो रथ था उसको छत विछत कर दिया। उस रथ को बहुत तोड़ मरोड़ दिया और क्रोध में आकर, क्योंकि उसने रथ की ये दशा कर दी थी, अब रावण ने जटायु के पंख काट दिए। अब जटायु उड़ नहीं पा रहा था और वो धीरे से आकर सीधे आकर धरती पर गिर पड़ा और रावण का जो रथ था वो भी टूट चुका था और उड़ान नहीं भर पा रहा था, क्योंकि जो जटायु थे उन्होंने रथ को लगभग तोड़ दिया था, पूरी तरह से तोड़ दिया था। तो वो रथ जो है अब उड़ान नहीं भर पा रहा था, तो उसने क्या किया, तत्काल सीता को अपने कंधे में उठाया, अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा अब संभवतः उसकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा, उनका बचाव केवल एक ही है कि किसी तरह से राम को समाचार मिल जाए। तो अब उन्होंने धीरे धीरे अपने आभूषण उतार कर फेंकना शुरू कर दिया और आभूषण वानरों ने उठा लिए। अब उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम को पता चल जाएगा, राम को समझ में आ जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। अब रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका, क्योंकि उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है, यानी कि दुख में ऐसा कर रही है। और कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया और धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था और उन्हें लेकर वह अपने अंतःपुर में गया। अब
सीता को निगरानी करते रहने को कहा। जो वहां पर बहुत सारी अंतःपुर जो था वहां पर बहुत सारी राक्षसियां रहती थी, तो अब उन्होंने सीता की रखवाली करने के लिए वहां पर कहा, उन्होंने कहा कि तुम सीता की यहां पर रखवाली करोगी। और फिर वह वहां से बाहर लौट गया। अब जब वो वहां से बाहर लौटा तो वो उसने क्या कहा, उसने कहा बाहर लौटते वक्त कि सीते को घूरते हुए, सुंदरी मैं तुम्हें एक वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है, मेरी लंका में रानी बनकर राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। तो इस बार भी सीता रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही और रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ कहीं कभी नहीं पहुंच सकता और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। तो अब सीता का हरण हो चुका था, सीता को रावण अपनी लंका में ले जा चुका था, और क्योंकि लंका जो है वो समुद्र को पार करने की, और राम उस समय साधारण पुरुष के रूप में थे, वो पुरुषोत्तम थे, वो विष्णु भगवान का अवतार है, लेकिन वो एक साधारण पुरुष के रूप में उन्होंने रघुकुल में जन्म लिया था, तो उनके लिए इतने बड़े समुद्र को पार करना बहुत ही बड़ी बात थी, और उस समय पर ऐसी कोई भी संसाधन जो है उपलब्ध नहीं थे जिससे समुद्र को पानी पार किया जा सके। तो रावण को धिक्कारते हुए सीते बार बार कह रही हैं कि पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से ही जलाकर रख देंगे, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं, मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता, तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, तूने पाप किया है, राम के हाथों ही तेरा अंत निश्चित है। अब जब रावण ने, क्योंकि सीता चुप ही नहीं हो रही थी, सीता बार बार राम का गुणगान कर रही थी, तो राम की इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा कि खर दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा, और उसने तत्काल ही अपने 8 राक्षसों को बुलाया, बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम पंचवटी जाओ, यानी कि राम और लक्ष्मण जहाँ पर रहते थे उनको, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए, यानी कि वो दोनों क्या कर रहे हैं उनका एक एक समाचार मुझे दो, किस तरह से वे विलाप कर रहे हैं, वो सीते को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं, उन पर निगरानी रखो और मौका मिलते ही उन दोनों को मार डालो। अब सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बना ली, वह अंतःपुर से निकलकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया, उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया और कड़ा पहरा दे दिया गया, और राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, यानी कि इसको मन से दुख दो, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए, यानी कि उनको केवल शारीरिक कष्ट नहीं देना है, केवल मानसिक कष्ट देना है, उनको केवल दुख पहुंचाना है, उनको केवल परेशान करना है, ताकि वो राम के वियोग में राम को कुछ समय के लिए भूल जाएं और यहाँ पर लंका की होकर रह जाएं। तो इस तरह से रावण ने सब कुछ किया कि बहुत सारी बहुत अलग अलग तरह की उसने विचार किए, तो उसने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला, यानी कि रावण के उन जो भी रावण यहाँ पर सीता को प्रलोभन दे रहा था, रावण सीता को जो भी बातें कह रहा था, तो उनसे सीता का मन बिल्कुल भी नहीं बदला, और वे बार बार राम का नाम लेती थी, वे हर बार भगवान राम को याद कर रही थी, और शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी, जैसे एक शेरों का दल हो और उसके बीच एक हिरनी बैठी हुई है डरी सहमी सी। तो रावण ने बहुत सारे प्रयत्न किए सीता को प्राप्त करने के, सीते को अपनी अर्धांगिनी बनाने के, और उन्होंने अपने सारे जितने भी राक्षस थे सभी राक्षसों को
बहुत सारे निर्देश दे दिए गए कि सीता को कोई भी परेशान नहीं करेगा, सीता को कोई भी डराएगा नहीं, सीता को कोई धमकाएगा नहीं, बस केवल और केवल उनको अपमानित किया जाना चाहिए ताकि उनका मन जो है राम से हट जाए। अब सीता जो है रो रो कर दिन काट रही थी, वो हर रोज रो रो कर दिन काट रही थी और उस सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया। और वो अपने उस समय को याद कर रही थी कि एक छोटे से लालच ने आज जिस सोने के हिरण पर वो ललचाई थी, जिस सोने के हिरण पर वो मोहित हो गई थी, उस सोने के हिरण ने, उस छोटे से लालच ने उन्हें बहुत बड़ा एक सोने की लंका तो दे दी, लेकिन वो उनके किसी काम की नहीं है। एक छोटे से स्वर्ण हिरण पर वो मोहित हुई थी, आज उन्हें पूरी की पूरी स्वर्ण लंका प्राप्त हो गई जो उनके लिए अर्थहीन है, क्योंकि वहां पर भगवान राम उनके साथ नहीं है। और ये सारी इस बात के लिए वो अपने आप को कोस रही थी, अपने आप को वो दिन रात इस बात के लिए कोसती थी कि उन्हीं की कारण ये सारी चीजें हुई है, क्योंकि लक्ष्मण ने उन्हें ये सारी बातों के लिए पहले ही चेताया था कि ये सब उन राक्षसों का मायावी जाल है जिसमें आप ना फंसे। लेकिन सीता ने उनकी एक भी नहीं सुनी और अपने राम को के वियोग में, राम को अपने पास पाने के लिए उन्होंने अपना एक तरह से हरण करवा दिया। तो अब वो कह रही हैं कि यहाँ से केवल राम ही उन्हें बचा सकते हैं, केवल राम ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र भी आपको एक दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर जो रावण है, जब वो लेकर जा रहा था माता सीता को, तो किस तरह से जो जटायु थे जिनको देखकर एक बार सीता जो है डर भी गई थी, क्योंकि उनके जो पंख थे वो बहुत ही ज्यादा विशाल काय थे, बहुत ही ज्यादा बड़े थे। तो किस तरह से उन्होंने जो जटायु है उसको मारा, किस तरह से जटायु को के पंख उसने काट दिए। तो आपने देखा इस पूरे चैप्टर में एक सोने के हिरण के कारण, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र आपको दिखाया गया है, ये सोने का हिरण है लेकिन सोने के हिरण के रूप में कौन है, मारीच है। और ये सारा जो है देखिए राक्षस मारीच जो है वो सोने के हिरण के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। और जिस तरह जब भगवान राम का उसको बाण लगता है, तो भगवान राम का बाण लगते ही वो अपने असली रूप में आ गया, वो अपने असल रूप में आ गया। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्वर्ण हिरण, सोने का हिरण जो हमारा ये पाठ है, ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमने स्वर्ण हिरण के बारे में अभी तक पढ़ा कि किस तरह से सोने के हिरण के कारण जो सीता माता है उनको सोने की लंका में पहुंचना पड़ा, सोने की लंका में वो पहुंच गई। और यहाँ पर देखिए जो इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है कि क्या कुछ यहाँ पर होता है जब माता सीता लंका में पहुंच जाती है, क्या रावण माता सीता को प्राप्त कर पाएगा, क्या रावण माता सीता से विवाह कर पाएगा, उनको अपनी अर्धांगिनी बना पाएगा, और क्या कुछ माता सीता के साथ आगे लंका में होने वाला है, किस तरह से भगवान राम लंका पर आक्रमण करेंगे, और जो हनुमान जी की जो भूमिका इस पूरी रामायण के अंतर्गत होने वाली है, उसका जो भी सारा कुछ हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे, तो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज का हमारा सोने का हिरण जो ये पाठ है ये कंप्लीट हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है रामायण की कथा में, कि जिस तरह देखिए राम का वनवास और भरत को राजगद्दी, ये केवल आप अयोध्या का जो एक अयोध्या में जो एक राजपाट के लिए, क्योंकि इस तरह की चीजें आपने महाभारत की कथा में भी पढ़ी होगी, अभी आप क्लास सेवेंथ में जब जाएंगे तो क्लास सेवेंथ में आपके पास हिंदी में बाल महाभारत की कथा है, यानी कि महाभारत की कथा में आप भी इसी तरह की चीजें पढ़ते हैं कि किस तरह से कौरव पांडवों में राज्य के लिए युद्ध होता है, वो एक दूसरे के राज्य को प्राप्त करने के लिए, एक छत्र राज करने के लिए वो किस तरह से एक दूसरे
दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे को वनवास पर भेजते हैं और एक दूसरे से युद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ तक की स्थिति तो हमें समझ आती है कि जो राम को वनवास भेजा गया, भरत को राजगद्दी दी गई, क्योंकि ये एक पूरे राजपाट का हिस्सा है। लेकिन रामायण में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, सबसे मेन जो बात आती है, वो यहीं से आती है कि सीता माता को जब स्वर्ण हिरण मिलता है तो उसके बाद क्या कुछ होता है, किस तरह से सीता माता का हरण किया जाता है और उसके बाद असल रामायण यानी कि रामचंद्र जी किस तरह से, हनुमान जी का किस तरह से आगमन होता है रामचंद्र जी के जीवन में, और किस तरह से हनुमान जी की पूरी कथा लिखी जाती है कि वो पूरे अपने शरीर को किस तरह से सिंदूरी रंग में रंग लेते हैं। तो ये सारी जो कथा है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।